VGR V055 प्रोफेशनल हेयर ट्रिमर। भाई मेरे इस चैनल पर ये पहला ट्रिमर है VGR की तरफ से जो मैं इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ और रिव्यू भी करूँगा इस वीडियो में। बाकी अगर मैं बॉक्स के भाई स्पेक्स देख पा रहा हूँ ना जो लिखे हुए हैं, अगर उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये काफ़ी तंगड़ा ट्रिमर लग रहा है मेरे को। इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रिमर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में और स्पेक्स वगैरह बता सकता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस तो भाई जब मैं बियर्ड ट्रिम करके दिखाता हूँ तभी मैं क्लियर बता पाता हूँ कि परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। पैकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है देखने में, तो बहुत ही स्मॉल से पैक में देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स और देख लेते हैं एक बार कि भाई किस तरीके का ये ट्रिमर देखने को मिलता है। चलिए रखते हैं साइड में पहले और भी देख लेते हैं कि बॉक्स में आपको और भी क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपकी एक USB चार्जिंग केबल और इसकी लेंथ वाइज काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है। और इसके अलावा इसमें आपको कैरी केस भी देखने को मिल जाता है। केस की क्वालिटी की बात बताऊं तो भाई ठीक है, मतलब मिल रहा है तो मैं इस प्राइस रेंज में वही काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो है केस वगैरह मिलते नहीं हैं। इसके अलावा बॉक्स में आपको ये चार हेयर क्लिप देखने को मिल जाएंगी जो कि 3, 6, 9, 12 mm की हैं। और क्या है देख लेते हैं, एक ऑयल कैन भी देखने को मिल जाएगी, एक क्लीनिंग ब्रश होगा और क्या, एक क्लीनिंग ब्रश है। तो बस इतना ही कुछ है इसमें। चलिए, और ये आपका एक यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाएगा। चलिए साइड में रखते हैं सब चीज़। सबसे पहले तो भाई ऑन ही करके देख लेता हूँ इसे मैं। तो ये जो बटन देख रहे हो ये आपका ऑन ऑफ करने का है, और तो यहाँ देख सकते हैं ऑन करते ही इसमें आपको एक ग्रीन कलर की लाइट भी देखने को मिल जाएगी। नॉइस की बात बताऊँ तो भाई नॉइस भी काफ़ी लो है इसकी और काफ़ी नॉइस के मामले में बढ़िया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आप ऊपर वाला जो बटन देख रहे हैं ये एक्चुअली इसकी जो ब्लेड की लेंथ है उसे एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। एक दो, दो इसमें तीन लिखा हुआ है नीचे की तरफ, तो एक दो और ये तीन, मतलब तीन लेंथ सेटिंग देखने को मिलेंगी इसमें आपको। अगर आप इसे ऊपर नीचे करोगे इसको तो इसके जो ब्लेड हैं वो ऊपर नीचे की तरफ हो रहे हैं, तो ये आप इससे लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ VGR की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया चार्जिंग नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ से कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलेगा। मॉडल नंबर लिखा हुआ है V055, इनपुट 5 वोल्ट 1 एम्पेयर इसको चाहिए। चार्जिंग टाइम भी लिखा हुआ है 1.5 घंटे इसमें आपको चार्ज करने में लग जाएगा, 2 घंटे इसमें आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ की बात होता है तो भाई यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो पोर्शन है ये प्लास्टिक है, फुल प्लास्टिक पोर्शन, ये बटन भी प्लास्टिक के हैं और पीछे शायद ये जो है फाइबर मटेरियल से बना हुआ है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें ये 3, 6, 9, 12 mm की क्लिप मिल जाएंगी, तो इनको लगाकर आप जो है अपनी बियर्ड वगैरह आप हेयर वगैरह ट्रिम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। निकालना बहुत आसान है, पीछे की तरफ से हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से निकल भी जाते हैं। जो बटन की क्लिक रेस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, क्वालिटी ठीक है मतलब, बट ये जो क्लिक साउंड है ये मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगा इसका। और इसे मैं एक बार चार्जिंग पर भी लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि ये जो बताया है कि जब ये चार्जिंग पर लगाएंगे तो ये रेड कलर की जलती है। सबसे बढ़िया बात ये है कि अभी तक मैंने जितने भी ट्रिमर अनबॉक्स किए हैं इतनी लंबी केबल मैंने किसी भी ट्रिमर के साथ नहीं देखी है। ये 2 मीटर की इसकी जो लेंथ है 2 मीटर है लगभग। तो ये देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया चार्जिंग पर, और यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था जब आप इसे चार्जिंग पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइट देखने को मिलेगी। जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये जो रेड कलर की लाइट है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस ट्रिमर की। बाकी अगर मैं इस ट्रिमर की बात बताऊँ तो ये जो ट्रिमर है कॉर्डेड एंड कॉर्डलेस है, यानी कि आप इसको चार्जिंग के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देख सकते हैं, तो चार्जिंग के वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और
चार्ज होने के बाद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी मैं बैटरी की बात बताऊं तो उसमें आपको 500 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी। लेंस सेटिंग की बात करूं दोस्तों इसकी, तो उसमें आपको चार टोटल लेंस सेटिंग मिलती हैं जिनकी हेल्प से आप 0.5 एमएम से लेकर और 12 एमएम तक अपनी बियर्ड ट्रिम कर सकते हैं। तीन तो आप इसी से कर सकते हैं, 1, 2, 3 एमएम आप इस ब्लेड को एडजस्ट करके कर सकते हैं। बाकी जो आपको क्लिप दी हुई है 3, 6, 9, 12 एमएम की, इनकी हेल्प से आप इसकी जो लेंस सेटिंग है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये मैंने 636 रुपये में ख़रीदा था और उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये मेरे को काफ़ी पसंद आया है। बिल्ड क्वालिटी और स्पेक्स वगैरह तो काफ़ी बढ़िया हैं। बाकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बियर्ड ट्रिम करके दिखाऊंगा, उसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।